नमस्कार साथियों, बीपी कालूवर चैनल पर आप सभी अन्नदाताओं का दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपने जैसा देखा है थंबनेल में कि बिना दलिया के गाय का दूध कैसे बढ़ाएं, कैसे डबल करें बिना दलिया के, वास्तव में सत्य बात है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी गाय हो, चाहे वो जर्सी है या साहीवाल है या जंगली गाय है, किसी भी प्रकार की कोई गाय है, उसके पास अचानक किसी कारणवश दूध कम हो गया है, जैसे 10 लीटर गाय दूध दे रही थी और उसके पास 5 लीटर दूध रह गया है या 4 लीटर दूध रह गया है, तो हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं उसी दूध को। 5 लीटर वाले को हम 10 लीटर कर सकते हैं बिना दलिया खिलाए। आपको किसी भी प्रकार का दलिया खिलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दूध कम क्यों होता है, इसका कारण क्या, कारण भी आप जान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पशु का पेट खराब हो जाता है, उसका गोबर ठीक नहीं आ रहा है, जितना हम फीड खिलाते हैं वो सारा मटेरियल हमारा गोबर में निकलता है, यानी कि दूध का उत्पादन हो ही नहीं पाता है। कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हम डिवार्मिंग नहीं करा पाते हैं समय पर, उस कारण भी दूध कम हो जाता है। पशु हमारा किसी बीमारी से ग्रसित है, उसे चिड़चिड़ापन हो गया, तब भी उसका दूध कम हो जाएगा। गाय का बच्चा मर गया, तब भी दुख के कारण उसका भी दूध कम हो जाएगा। और आज मैं वह वनस्पति के विषय में बताने जा रहा हूँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, आपको कोई भी कहीं पर 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, बरसात का मौसम है, सड़कों के किनारे जंगलों में आपने देखा होगा बथुआ, ये साइड में देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है बथुआ, इसको कहते हैं जंगली बथुआ। ये करीब करीब 1-1, 2-2 मीटर बड़ा हो जाता है, लंबाई इसकी काफ़ी अच्छी होती है और अत्यधिक मात्रा में ये बरसात में उपलब्ध होता है। एक तो बथुआ होता है हमारी गेहूं और आलू के सीज़न के टाइम पर, जिसकी हम लोग सब्जी बनाकर खाया करते, पराठे वगैरह बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन ये बथुआ जो होता है जंगली, ये सड़कों के किनारे मोस्टली होता है और इतनी मात्रा में होता है आप अपने पशु को पेट भर के खिला सकते हैं, लेकिन पेट भर के खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, 1 किलो बथुआ आप पर डे खिला दीजिए अपनी गाय को, अपनी भैंस को खिला दीजिए 1 किलो जंगली बथुआ, फिर आप देखिएगा आपकी गाय भैंस का दूध किस प्रकार से बढ़ता। जो दूध कम हो गया है वास्तव में वह रिकवर हो जाएगा, और जिस गाय के पास में 10 किलो दूध है तो वहाँ पर 1 किलो दूध बढ़ने की पूरी पूरी संभावना होती है, 5 किलो दूध है तो वहाँ पर 6 किलो दूध होने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ पर आप दलिया खिलाएं या ना खिलाएं, क्योंकि बरसात का मौसम है। कुछ हमारे पशुपालक भाई हैं जिनके पास दलिया की उपलब्धता नहीं होती है, हरा चारा ही खिलाते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जो सड़कों के किनारे बड़ा बड़ा बथुआ खड़ा होता है वो आप 1 किलो बथुआ अपने पशु को अवश्य खिलाइएगा, और ये आसानी से मिल जाता है। जो भी हरा चारा मिलाते हैं उसी में मशीन में काट करके छोटा छोटा काटने के बाद में उसमें खिलाते रहिएगा, 10 दिन 15 दिन 2 महीने 3 महीने जब तक हमारी बरसात है तब तक ये बथुआ उपलब्ध होगा। आप अपने पशुओं की इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं इस बथुआ से। और ख़ास बात ये है कि दूध की मात्रा तो बढ़ती ही है, दूध की मात्रा के साथ साथ फैट भी बढ़ता है, SNF कंटेंट भी बढ़ता है इसका, जब हम जंगली बथुआ खिलाते हैं अपने पशु को। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, जय राम जी की।